गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आया हूँ और मेरे ग्रुप के अंदर भी लेके जाता हूँ आपको, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहाँ पर मैंने कुछ कॉल्स की और सारी के सारी कॉल हिट हुए और वो कॉल का प्रॉफिट भी यहाँ पे मैंने निकाल के दिया हुआ है। खुद भी निकालता हूँ और लोगों को भी निकाल कर देता हूँ। और ये जो प्रॉफिट होते हैं ना, ये शॉर्ट प्रॉफिट होते हैं जिसे कहते हैं स्कैल्पिंग बाय स्कैल्पिंग पुट। जो जैसे इस रजिस्ट्रेशन पे मैंने ये प्रॉफिट बुक किया था कि ये रजिस्ट्रेशन पे मुझे पता था ही जाएगा, मैंने यहाँ पे क्रॉस चैनल बना के रखी थी, इस तरह की मैंने बना के रखी थी। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका क्या है। आप अगर मान लो साइड व्यू अंदर काम करते हो, टारगेट लगा के काम नहीं करते हो, तो आपका टारगेट कभी आएगा ही नहीं। तो ये मैंने चैनल इस तरह से बनाई थी, ये जस्ट आपको मैं बता देता हूँ कि ये अगर मान लो सीख गए आप, तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। मार्केट क्या रहेगा? आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो ये है, ये मैं आपको सिग्नल बता रहा हूँ कि ये समझो यहाँ के राइटर है और ये है यहाँ के राइटर, यानी ये है कॉल राइटर, ऊपर से धक्का मार रहे हो, नीचे है पुट राइटर जो नीचे से धक्का मार रहे हो ऊपर। तो इसे भैया देना है, उसे जाना है ऊपर, यानी यहाँ पे जाना है। तो ये सीधा सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं, बिकॉज कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बाकी है, डबल टॉप और बाकी, एक टॉप दिया और एक टॉप बाकी है, इस टॉप को क्रॉस करना भी बाकी है और इस टॉप को सपोर्ट बनाना भी बाकी है। तो ये सब चीजें है ना, प्रीमियम में समझ में आएगी कि आप प्रीमियम क्या लगा रहे हो। तो मुझे ये पता था कि ये पुट होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे इस पुट का प्रॉफिट बुक किया, जो यहाँ पे निकल के आया, जो पुट का प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे निकल के आया है, ये रहा प्रॉफिट। तो उसके बाद में कॉल भी होने वाली है, वो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी और वो कॉल गई यहाँ तक, वो कॉल यहाँ तक गई, वो कॉल यहाँ तक। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है ना, वो निकल के आया, यानी टारगेट छोटे छोटे निकल के आया कि साइड में भी आप काम कर सकते हो। अब चीज आता हूँ मेन मुद्दे पे आता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नीचे से चैनल बन के आ रही है, वो चैनल बन के आ रही है यहाँ से। अब ये नहीं, यहाँ से चैनल बनाई है और ये चैनल यहाँ से बनी है, तो ये चैनल ने यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब ये चैनल जो बन रही है यहाँ से बन रही है, इस दूसरी कैनल के सपोर्ट से बन रही है। अब इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, यानी ये मैंने चैनल बना करके मुझे बता था कि रिटेस्ट करने यहाँ पे आएगा और ऊंचाई पे सर करेगा। अब यहाँ पे रिटेस्ट करने का मतलब क्या, यहाँ पे सिग्नल क्या दिया पीछे 42,864.30। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 640 पे जाना है। तो 640 कहाँ पर है? तो 640 ऊपर है, तो कौन सा 640? 42,640। तो 42,640 का मतलब क्या हुआ कि ऊपर 640 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको 640 ढूंढना है कि कहाँ पर आ रहा है, पीछे के 3 डिजिट में ढूंढना है आपको, पीछे के 3 डिजिट में, ऐसे एकदम से नहीं। तो देखो यहाँ पर मिला आपको 43,256.30, यानी 630। तो ये है ना, ये रजिस्ट्रेशन बन रहा है, मैं पीछे के डिजिट आपको दिखा रहा हूँ, 43,256.30 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने कर्सर मैंने यहाँ पे लगाया है और जो आपको राइट में दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया 640। तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ से सिग्नल दे दिया कि यहाँ तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने वापस पुट लेके रखे हैं, तो पुट के सेल करने हिट करने के लिए वापस ऊपर जाएगा, यानी ये जो इसका 20% हिस्सा, इसका जो 10% हिस्सा है, तो ये इसका रजिस्ट्रेशन है। यानी कहीं ना कहीं 43,302, यानी मैंने कितना बोला 600, तो 600 का आधा 300, तो 300 ऊपर गया कि नहीं गया? तो ये 300 आपको सोमवार को देखने मिलेगा ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डर धमका के बाहर निकाल दिया जाएगा आपको पहले तो, क्योंकि आपने अगर टारगेट लगा के काम किया है, मान लो आपने यहाँ से बाय किया और आपने मान लो कि इसका टारगेट 315 रुपया लगाया, तो 315 रुपये में ये प्रीमियम बोल रहा हूँ मैं, 42,900 की बात कर रहा हूँ, 42,900 की बात कर रहा हूँ, तो 2,249,900 की बात कर रहा हूँ, तो वो कॉल यहाँ तक जाएगी, 315 पे जाएगी, 315 से रिटेस होगी, नीचे की तरफ आएगी, यानी 315 के बाद में ये कॉल 295 भी हो जाएगी, क्योंकि नए लोग यहाँ पे एंटर होंगे, जो शॉर्ट कवरिंग मारे या बाजार तो ऊपर चला गया और मेरे ही गया, मार्केट ऊपर चला गया और मेरे ही गया। ये जो अनसाइकोलॉजी होती है प्रीमियम की, तो ये कहीं ना कहीं हमको ट्रैप में डाल देती है और फिर जब नीचे आते हैं डर के मारे बेच देते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंस्टीट्यूशन को आपकी साइकोलॉजी पता है, तो वो क्या करेगा, बार बार वो चीज करेगा जिससे आपको लॉस हो, वो इमोशन क्रिएट करवाएगा। तो यहाँ से इमोशन क्रिएट किए ऊपर गया, आपने और एंट्री ली, आपने सोचा ऊपर जाएगा, ये लॉस करवाएगा और आपका लॉस लेके वापस ऊपर चला जाएगा, और आप देखते के देखते रह जाओगे, यार मेरा प्रीमियम मैंने जो लिया था 315 का प्रीमियम लिया था, वो तो मैंने 295 में मैंने बेच दिया लॉस बुक करके, और साला मेरे ही प्रीमियम लेके तो 433 रुपया चला गया। ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता है, इसके लिए सीखना जरूरी है और ये चीजें मैं सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। तो
तो ये मार्केट बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में जो कोई पुट लेता है, अगर यहाँ से किसी ने पुट लिया था, पुट की तो ऐसे ऊपर रेट हो गई। दूसरी चीज के ऊपर पुट वालों को लगता है कि भी मार्केट और ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कॉल लेके खड़े रहते हैं। कॉल में क्या होता है कि जो पीछे से पुट लिया वो पुट हिट हो जाती है, और बेचारा वो डरता है कि मैंने तो यार कॉल ले ली यहाँ से, और मैं तो गलती से रजिस्ट्रेशन पे एंट्री ले ली और ऊपर जाएगा लालच में, तो नीचे चला गया था, मैं तो पुट में भी लॉस किया, मैं तो कॉल में भी लॉस किया। तो मार्केट यहाँ पे अब चाल क्या है कि यहाँ पे एक बॉटम दिया है, यहाँ पे दूसरा बॉटम देना है, यहाँ पे तीसरा बॉटम देना है, और ये जो रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में 43,164 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन में जो भी प्रीमियम यहाँ पे चल रही है, समझो ये प्रीमियम चल रही है वापिस 269 की प्रीमियम चल रही है, वापिस वही प्रीमियम नीचे आ रही है 433 से लेकर 269 पे प्रीमियम आ रही है। तो 269 का जो हाई है वो 312 315 का समझिए चल रहा है आपको। ये 312 315 आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपका दो बार और हिट होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक ही कॉल दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये 42,900 की कॉल है वही दे रहा हूँ, बिकॉज के मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नया नया सपोर्ट बनाया तो तोड़ना कब है? तो ये डब्ल्यू पैटर्न के बाद में जब नए लोग सी में एंट्री लेंगे, यानी न्यू बायर्स, यानी ये एक दो और नए बायर्स एंट्री लेंगे, तब जाके ये पुट करेगा, और तब जाके वो पुट की एसेलेट, उस कॉल की एसेलेट कर देगा। यानी जहाँ जितने भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े ना, जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े 43,500 600 पर खड़े, ये लोग अभी एवरेज में भाग रहे, निकल रहे, एवरेज बना बना के निकल रहे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर जाने के बाद में यहाँ बैठ जाते हैं, और यहाँ पे बैठने के बाद में उनका प्रीमियम यहाँ पे खा लेते। यानी आपने सोचा यूं जाएगा तो नीचे चला आया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वापस आप सोचते कि ऊपर जाएगा, और आप खड़े के खड़े रहते हो, तो यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद में दो बॉटम टॉप देने के बाद में नीचे। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है तो वो प्रीमियम हो जाता है फिर 222 रुपया। अब 222 रुपया ही नहीं है, 400 का प्रीमियम 222 रुपया हो गया, 433 का प्रीमियम 222 रुपया, 218 रुपया हो गया। यहाँ पे कौन से प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे वही प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, यानी जो प्रीमियम बोला था 42,900 का, तो यहाँ पे 218 रुपया प्रीमियम हो गया, या 200 के आसपास बोल के चलो तो भी चलेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे आपने सी बाय किया और आपने होल्ड करके रखा हुआ सी को, तो आपको दो टॉप मिलने वाले हैं। यानी 215 215 आपको दो बार रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है, 222 का रजिस्ट्रेशन आपको दो बार मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे 222 का रजिस्ट्रेशन आप बुक नहीं कर रहे हो और आप खड़े के खड़े हो, तो वापिस वो बॉटम देने के लिए नीचे चलाएगा। आप डर के मारे ये सोचो कि पुट ले लो, मैं पुट ले लूँ, मैं पुट में कमाऊंगा, बाजार तो पुट में जाने वाला है। तो ये बंदा जो है ना, इतना बड़ा गैप अप करेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और ये गैप अप यहाँ तक का कर देगा, और यहाँ से फिर वो शॉर्ट कवरिंग में ऊपर ही जाने देगा, और यहाँ तक का टारगेट इसका है। यानी पुट में आपको एवरेज में भी निकलने का मौका नहीं देंगे, बिकॉज ये जो चैनल मैंने बनाई है ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के लिए इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना जरूरी है। किसको? 42,840 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना जरूरी है। जब तक 42,839 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनता है, तब तक ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। कौन सा रजिस्टेंस? 43,797। तो ये जो चीजें होती है ना मार्केट में बहुत, यानी अगर मान लो यहाँ पे भी आप पुट ले रहे हो, यानी ये लॉन्ग अगर मान लो आपको सी लेके चलना है, 2 वीक के बाद का सी की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर की बात, तो 43,800 का सी, लेकिन बॉटम का ध्यान आपको ये रखना है कि बॉटम आपका ये है, बॉटम आपका ये है, और ये दो बार रिटेस हो रहा है। अगर दो बार ये रिटेस होगा उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ की सारी प्रीमियम घिस जाएगी। उसका मतलब इसके लेना कहाँ है? तो इसे जब तक एक बार दो बार तीन बार बॉटम को रिटेस्ट नहीं करता है, तब तक ये प्रीमियम बाय नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना, ये बॉटम दो बॉटम तीन बार ट्रिपल बॉटम जब तक नहीं देता है, तब तक इस प्रीमियम को बाय करके चलना नहीं है। तीसरे बॉटम के बाद में इसे, और ये बॉटम की बात कर रहा तो 1.5 घंटे बाद वो वापिस रिटेस्ट करेगा। यानी यहाँ पे 30 मिनट में ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया। अगर गलती से मान ली मार्केट यहाँ भी जा रहा है तीसरा टॉप देने के लिए, तो भी दिक्कत नहीं है, पुट होने वाली है, पुट यहाँ तक की होगी, उसके बाद में एक होगी, बिकॉज के इमोशन जो क्रिएट किए जा रहे हैं आपके यहाँ पे, इमोशन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ मैं, लेकिन एक चीज है, मैं आपको मेरे प्रूफ पे लेके जाता हूँ, जो प्रूफ मैंने बताया था और वो आप भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो वो है वकरान जी का वीडियो। तो वकरान जी के वीडियो के बारे में बात करूँ, तो वकरान जी का मैंने वीडियो बनाया था, और वैसे ही मार्केट में हुआ, लोग भी तेजी में बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तेजी में क्या बोलते हैं लोग, मार्केट ऊपर जाएगा। वकरान जी जब 32 रुपये पे था, तो मैंने ये कहा था कि वकरान जी 5% तोड़ेगा, 5% तोड़ेगा, तब मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था। तो मैं ये सारे रजिस्ट्रेशन बनते हुए देख रहा था, तो मुझे सिग्नल मिल गया कि इसे 5% से 6% तोड़ने वाले, तो मैंने तो वीडियो बना दिया, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ आप देख लो, और मैंने बोला भी सही कि ये इतना तोड़ेगा और सपोर्ट 30 तक देगा, 30 ने 28 का सपोर्ट लिया।
29 तक आएगा, तो 29 के बाद में 28 का सपोर्ट लिया, 28 के सपोर्ट के बाद में अब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग में आ गया है। अब ये धीरे धीरे इसका टारगेट अगर मैं आपको बताने जाऊं तो ये टारगेट देख लो, इसका टारगेट कितना होने वाला है, इसका टारगेट अनबिलीवेबल पर टारगेट है, बिकॉज के ये सारी की सारी चैनल जो है ना ब्रेकआउट होने वाली है, ये चैनल सपोर्ट बनने वाली है वक्रांत जी के अंदर, और ये इसका हाई है 70, और ये 70 के बाद में भी रुकने वाला नहीं है ये बंदा, ये वक्रांत जी कंपनी, बिकॉज के नो डेप कंपनी है और इस पर कोई कर्ज नहीं है, स्ट्रॉन्ग इसके अंदर जो प्रमोटर है वो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये मान लो यहाँ से अगर मान लो नीचे भी आता है तो नीचे भी आने के बाद में लोअर सर्किट लग जाएगी, लोअर सर्किट के बाद में लोग सेल करना शुरू करेंगे, तब ये बाय करना शुरू कर देगा, ये सर्किट का शेयर है। वकरान जी एक ऐसी कंपनी है जिसमें अच्छी खासी ट्रैपिंग हो जाती है लोगों में, लोग सोचते रह जाते हैं बोले मैंने तो यार बेच दिया तो ऊपर चला गया, तो ये 87 तक जाने वाला, तो ये चीज़ें कैसे कर लेता हूँ मैं वो सीखना, तो मेरे आप पर्सनल ग्रुप में आइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आइएगा, और इस ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो आप सारी की सारी चीज़ें फैक्ट दिखेगी आपको, कि सारी की सारी समझाई जाती है कि मैं यहाँ पे प्रीमियम के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये प्रीमियम इतना हीट देगी, ये प्रीमियम इतना लो देगी, ये सारी चीज़ें मेरे ग्रुप के अंदर समझाता हूँ, बिना समझाए कोई भी कॉल प्रोवाइड करता नहीं हूँ मैं, बिना समझाए कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर मान लो आपको ये चीज़ें समझ के करनी हो तो आप मेरे ग्रुप से जुड़िए, एडवांस इंफॉर्मेशन देता हूँ, 15 मिनट का चार्ट, दिस इज रेंज बाउंड एंड कंसोलिडेशन एरिया, सारी चीज़ें समझा के, यानी एक साइकोलॉजी मार्केट में, साइकोलॉजी अगर आपको नहीं पता है सेलर्स की तो समझ लो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, साइकोलॉजी पता होनी जरूरी है मार्केट के अंदर, कौन सी कॉल दे रहा हो वो भी भेज रहा हो, कितनी हिट होने वाली है वो भी भेजता हो, सब कुछ भेजता हो, ये यूनिवर्सल डिजिट कोर्स है। अब एक चीज़ आती है, मैंने यूनिवर्सल डिजिट कोर्स क्यों चुना, देखो ये जो शेयर बाजार है ना स्टॉक मार्केट, ये यूनिवर्स से बाहर की चीज़ तो है ही नहीं, पहली बात तो यूनिवर्स के अंदर की चीज़ है, तो अभी एक अच्छी खासी आपको टिप दे रहा हूँ मैं, अगर मान लो कि ये यूनिवर्स से जुड़ी चीज़ है और ब्रह्मांड में भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो भूकंप की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो इनसे भी ये लोग स्टॉक मार्केट में सेलर्स कनेक्ट रहते हैं, तो जब ये न्यूज़ एक वाइब्रेशन की तरह क्रिएट होती है, ये कहता है कि मार्केट के अंदर पैनिक लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं सोचकर कि ये चीज़ होने वाली है, तो जब चीज़ें होने वाली होती है तो पहले तो मीडिया के मार्फत इसको फैलाया जाता है, तो यूनिवर्स से कनेक्ट है हमारा शेयर मार्केट, तो लोगों को पैनिक करके स्टॉक मार्केट में न्यूज़ फैलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ब्रह्मांड में होने वाला है, पृथ्वी के गोले बरसने वाले हैं या जो भी कुछ है, भूकंप होने वाले हैं, कुछ हानि होने वाली है, तो ऐसी चीज़ें फैलाई जाती है। उसके बाद में सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स ये करते हैं कि सेलर्स अगर मान लो लोग सेल कर रहे हैं तो ये लोग बाय करके नया हाई दे देते हैं, लोग सोचते हैं कि यार हमने तो सेल कर दिया तो ऊपर चला गया मार्केट और भूकंप तो अभी तक आया नहीं, तो देखो न्यूज़ की इफेक्ट क्या होती है, न्यूज़ की इफेक्ट एक ही होती है कि आप लोगों का ट्रैक, बिकॉज के ये यूनिवर्स की डिजिट है, यूनिवर्स के साथ जुड़ा है और यूनिवर्स को सीखना जरूरी है, यूनिवर्स की डिजिट को सीखना जरूरी है, जिसे कहते हैं 369 का रूल्स, निकोल टेस्ला का रूल्स, जिसने जिसको फॉलो करके निकोल टेस्ला ने 400 साल बाद में क्या होने वाला है वो रिसर्च किया, और उन्हीं को मैंने फॉलो किया, और उनको फॉलो करने के बाद में, उनको गुरु बनाने के बाद में, उसी 369 को फॉलो करने के बाद में मेरे सारे के सारे टारगेट होते हैं, मेरी सारी की सारी साइकोलॉजी होती है वो सारी की सारी हिट जाती है, तो ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर के जो चीज़ें बोलता हूँ वो निकल के आती है मार्केट में, जैसे मैंने लिखा था 41,438 तक सीड उड़ाएंगे, तो यहाँ पे लॉस चल रहा है किसी का, लेकिन देखो आप हिट हो गया वो कॉल, अभी कहाँ पे चल रहा है मार्केट, 42,400 के ऊपर चल रहा है, तो ये कहने का मतलब कि आपको अगर सीखना है ये डिजिटल सारी वर्क सीखनी है कैसे करती है काम, और ये सारी चीज़ें सीखनी हो कि भाई कौन सा प्रीमियम में बाय करो, कितना टारगेट सब साइड भी में कैसे काम करना, ट्रिपल बॉटम को कैसे बनना जानना, ट्रिपल टॉप को कैसे जानना, ये सब चीज़ें समझनी हो तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें सीखने से आप बढ़ोगे, ये किसी का जो लॉस है यहाँ पे दिखाया था तो इनको मैंने बताया था कि ये लॉस आपका कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में, बराबर है, कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं यानी बताने के लिए कि सर मेरे इतना लॉस चल रहा है तो मैं क्या करूँ, तो उनको मैं राय देता हूँ कि आपके लॉस को आप बुक मत करो, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना वो सीखोगे तो आप समझ पाओगे, तो आप सीखिए और आगे बढ़िए, आशा रखता हूँ कि आप अच्छा खासा कमाओगे और आगे बढ़ोगे, थैंक यू, धन्यवाद।